नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे। आज हम अमेरिका में डेवलप हो रही मॉडर्ना कंपनी की mRNA-1273 इस वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसमें से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की CHAdOx-nCoV-19 और दूसरी मॉडर्ना कंपनी की mRNA-1273 ये दो वैक्सीन्स सबसे आगे हैं। तो ये जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है ये ऑलरेडी फेज 3 में एंटर की हुई है और जो मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है ये अभी मिड जुलाई में फेज 3 ट्रायल्स में एंटर होगी। मॉडर्ना कंपनी ने इसके फेज 3 ट्रायल्स करने के लिए 30,000 वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया है और इनको लगने वाले डोसेस भी तैयार कर लिए हैं। इसके जो एनिमल स्टडीज हुए और फेज 1 स्टडीज हुए उसमें पाया गया कि वैक्सीन सेफ है और जिनको ये वैक्सीन मिली थी उनमें वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं। तो अभी फेज 3 में मेनली ये देखा जाएगा कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। इसका जो डोज है फेज 3 ट्रायल्स के लिए ये 100 माइक्रोग्राम तय किया गया है। इसके फर्स्ट फेज में वॉलंटियर्स को 25 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम एंड 50 माइक्रोग्राम ऐसे डोसेस मिले थे। तो उसकी स्टडी करके अभी 100 माइक्रोग्राम डोज ये इसके थर्ड फेज में दिया जाएगा। कौन सी भी जो ट्रायल्स होती है वैक्सीन की तो वो वैक्सीन को पहले एनिमल स्टडीज से गुजरना पड़ता है। फिर इसके 3 चरण होते हैं डेवलपमेंट के। फर्स्ट फेज में एनिमल्स में जैसे माइस, मंकीज, गिनी पिग्स इनमें वैक्सीन की जांच होती है। इसमें ठीक पाई गई तो कुछ 50 या 100 लोगों में फेज 1 में स्टडी की जाती है। इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं रहे या बॉडी में वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी तैयार हो गई या एंटीबॉडीज तैयार हो गए तो ये वैक्सीन सेकेंड फेज में जाती है। सेकेंड फेज में और 500-600 वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें इसकी स्टडी की जाती है और इसमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिले तो इसकी फेज 3 में एंट्री होती है। कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए कम से कम 5-10 साल का समय लगता है। तो आप कहेंगे कि अभी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इतने कम महीनों में कैसे वैक्सीन तैयार हो रही है। इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो ये है कि जो फेजेस है जो 2-4 साल चलते थे वैक्सीन ट्रायल्स के ये अभी शॉर्टन किए गए कुछ महीने में किए गए और फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स ये भी वैक्सीन में ओवरलैप हो रही है। तो अभी जो मॉडर्ना की mRNA-1273 वैक्सीन है ये जो डेवलप इतने जल्दी हुई क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। मतलब जब दिसंबर में चाइना में पहली केस मिली COVID-19 की तो उन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में इसका जेनेटिक कोड डिक्लेयर किया। तो जो मॉडर्ना कंपनी है इन्होंने इस जेनेटिक कोड की स्टडी करके अपना मैसेंजर आरएनए बना लिया जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन है उसको ट्रांसक्राइब करता है। तो इनको एक्चुअल वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो वायरस को लैबोरेटरी में ग्रो करना, उसको वीकन करना, इसमें ही काफ़ी समय चला जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्ना कंपनी ने डेवलप की है इसमें एक्चुअल वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो अभी इन्होंने मैसेंजर आरएनए डेवलप किया है ये ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद सेल में इंटर करता है और सेल की मशीनरी यूज़ करके जो कोरोना वायरस है उसके सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन रहते हैं उसको तैयार करता है। बॉडी के अंदर स्पाइक प्रोटीन तैयार हो गए तो अपनी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और उस स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती है। तो वैक्सीन देने के बाद ये जो प्रोसेस होती है इसको अपनी बॉडी स्टोर करके रखती है, अपनी मेमोरी में रखती है। तो आगे चल के जब ओरिजिनल वायरस का, रियल वायरस का, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा तो इम्यूनिटी एक्टिव होगी और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी इसके जो फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं इसमें जो 50% वॉलंटियर्स है उनको वैक्सीन मिलेगी और जो 50% वॉलंटियर्स है उनको प्लेसेबो मिलेगा। प्लेसेबो मतलब उन वॉलंटियर्स को वैक्सीन नहीं मिलती है उसकी जगह साल्ट वाटर दिया जाता है। और जो स्टडी करते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता है कि किनको वैक्सीन मिली है
और किन वॉलंटियर्स को वैक्सीन नहीं मिली है। इवन जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, वॉलंटियर्स रहते हैं, उनको भी पता नहीं रहता है कि उनको वैक्सीन मिली है या प्लेसेबो मिला है। डबल ब्लाइंड स्टडी का फायदा यह रहता है कि जो स्टडी है इसमें बायस नहीं आता है। मतलब जो स्टडी करने वाला है उसको अगर पता रहा कि इस ग्रुप के वैक्सीन मिली है और इनको नहीं मिली है, तो उसके ऑब्जर्वेशन में कुछ त्रुटि आ सकती है, तो वो दूर करने के लिए डबल ब्लाइंड स्टडी की जाती है। ये जो mRNA टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके मॉडर्ना कंपनी और जो वायरसेस है उनके खिलाफ भी वैक्सीन्स तैयार कर रही है। वो लगभग 9 वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर रही है। उनमें से इन्फ्लुएंजा, साइटोमेगालो वायरस, RSV वायरस एंड जिका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, तो ये वैक्सीन्स भी अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में। लेकिन पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक फैला हुआ है, इसकी वजह से कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हो रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, फास्ट काम हो रहा है, क्योंकि अगर वैक्सीन जल्दी अवेलेबल हुई तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये जो mRNA टेक्नोलॉजी है, इसके फायदे इस तरह है कि ये वैक्सीन तैयार करने के लिए अपने को ओरिजिनल वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका जेनेटिक कोड अगर मिल गया, उसका जेनेटिक सीक्वेंस मिल गया, तो उससे मैसेंजर RNA तैयार करके वैक्सीन तैयार की जा सकती है। दूसरा फायदा ये है कि कम समय में वैक्सीन तैयार की जा सकती है, और इस टेक्निक से तैयार की हुई वैक्सीन के लिए अलग से प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं लगती है। मतलब एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी में अलग अलग वैक्सीन्स तैयार हो सकते हैं, और कम समय में ज़्यादा वैक्सीन्स तैयार करने की कैपेसिटी डेवलप की जा सकती है। तो अभी जो मॉडर्ना कंपनी है, उन्होंने COVID-19 के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार हो रही है, mRNA-1273, मतलब जो phase 3 ट्रायल्स हो रहे हैं, वो आने से पहले ही कैटालंट इंक इस कंपनी के साथ टाइप कर लिया है। इसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग करने के जो अधिकार है इस कंपनी को मिले हुए हैं, और इन्होंने 100 मिलियन वैक्सीन्स तैयार करने की तैयारी कर ली है। और अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है phase 3 ट्रायल्स में, तो लगभग हर साल 100 करोड़ वैक्सीन्स तैयार की जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये वैक्सीन अपने phase 3 ट्रायल्स में सक्सेसफुल हो और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल हो। ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो जनरल इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हुई है, वो भी अभी इसके लास्ट पेजेस में है। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि लगभग दुनिया में 129 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, मतलब 129 वैक्सीन में काम चल रहा है। इसमें से 16 वैक्सीन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में आए हैं, मतलब एनिमल स्टडीज में या phase 1, phase 2 या phase 3 में हैं, और बाकी जो वैक्सीन है वो अभी लेबोरेटरी में ही उनके ऊपर काम चल रहा है। तो समझो हमारे पास 4 या 5 वैक्सीन्स अवेलेबल हुए इस साल के अंत तक या अगले साल तक, तो ये जो डिमांड रहेगी लार्ज स्केल में पूरी दुनिया से, ये फुलफिल हो पाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले महीनों में 2 या 3 वैक्सीन इसके खिलाफ सक्सेसफुल हो जाए और पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस COVID-19 की एपिडेमिक से मुक्त हो। आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर मोरिज हेल्थ टिप्स टू गेट ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट मेडिकल टॉपिक्स। ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन बटन एंड सेट इट ऑन ऑल टू गेट नोटिफिकेशंस रेगुलरली।